हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी अपडेट और बहुत बड़ी खुशखबरी छात्रों के लिए आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, रेलवे एनटीपीसी परीक्षा वाले छात्र और साथ ही यहां पर आरआरबी आइसोलेटेड कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है और आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए भी। जी हां फ्रेंड्स, 2019 की जो वैकेंसी थी एनटीपीसी और ग्रुप डी और आइसोलेटेड कैटेगरी की, उन सभी छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है और रेलवे द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हां फ्रेंड्स, आरआरबी द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि जो एनटीपीसी और आपका आइसोलेटेड की टेंडर के बारे में प्रीबिड जो थी वो फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुकी है, जिसके द्वारा रेलवे ने ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया गया है। टेक्निकल बिड्स की बात करूं तो टेक्निकल बिड की फ्रेंड जो है 13 अगस्त को होगा और फ्रेंड्स इसके लिए कोरिजेंडम 7 जो है रेलवे द्वारा जारी कर दिया गया है। कोरिजेंडम 6 की बात करूं तो आ गए थे लेकिन कोरिजेंडम 7 जो है फिलहाल में आ चुका है। और फ्रेंड ईसीए की बड़ी खबर छात्रों के लिए, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें और टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आरआरबी अजमेर जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। आरआरबी अजमेर जोन कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा और न्यूज एंड अपडेट के सेक्शन पर आएंगे तो बिल्कुल अभी अभी और आज ही की डेट में अपडेट आया हुआ है। कोरिजेंडम नंबर 7 फॉर ई टेंडर नंबर आरआरबी ऑल टेंडर सीएन नंबर 03/2019, तो इस पर क्लिक करके नोटिस को डाउनलोड करेंगे हम। इससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है आपको 22/6/2020 की डेट में, ठीक है, एक कोरिजेंडम नंबर 7 आया, कोरिजेंडम नंबर जो है 6 आया था आपका, ठीक है, तो उस टाइम जो है उसके बाद यहाँ पर 03/2019 का 19/6/2020 को कोरिजेंडम नंबर 6 आया था आपका, ये एनटीपीसी का था। अब जो है 9/7/2020 डेट की 20 में, यानी बिल्कुल आज ही के डेट में और अभी अभी कोरिजेंडम नंबर 7 आपका जारी हो चुका है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अजमेर, कोरिजेंडो नंबर 7, ई टेंडर नंबर आरआरबी ऑल टेंडर सीए नंबर 03/2019, नेम ऑफ वर्क्स आरआरबी, इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ईसी टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी एंड और रिलेटेड एक्टिविटीज लाइक प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट एंड पैनल एक्सेट्रा फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेट कैटेगरी इन इंडियन रेलवे नोटिफाइड इन सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस नोटिफिकेशन 03/2019, द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ टेंडर। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में बताया गया है, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि आप सभी को पता है प्रीबिड, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप सभी को पता है कि हर नोट कोरिजेंडम में कोरिजेंडम 6 तक आ चुका है और हर कोरिजेंडम में जो है आपकी प्रीबिड कॉन्फ्रेंस की डेट जो है मेंशन हुई होती थी, लेकिन इसमें यहाँ पर जो है प्रीबिड कॉन्फ्रेंस की कोई भी डेट मेंशन नहीं है। यहाँ पर साफ साफ ये बोला गया है कि द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ टेंडर एंड डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ टेक्निकल बिड आर हेयर बाई रिवाइज्ड फर्दर ऑन आईआरईपीएस एज अंडर। तो यहाँ पर डेट जो दी हुई है वो लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन टेंडर की सबमिशन की, और लास्ट डेट यहाँ पर दी हुई है 13 अगस्त 2020। उसके बाद एक डेट दी है कि डेट एंड टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ टेक्निकल बिड के ओपनिंग की डेट दे रखी है 13 अगस्त, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर फ्रेंड डेट को दिया हुआ है लेकिन प्रीबिड कॉन्फ्रेंस की इसमें कोई भी डेट मेंशन नहीं है। तो उससे आप साफ साफ जान सकते हैं कि प्रीबिड कॉन्फ्रेंस जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर जो है टेंडर को सबमिशन की डेट दे रखी है और टेक्निकल बिड 13 जुलाई की डेट यहाँ पर दे रखी है, तो ये मानकर आप चल सकते हैं कि आपकी जो डेट है इसका जो ईसी टेंडर है वो काम इसका जो है स्टार्ट हो चुका है, एजेंसी फाइनलाइजेशन के लिए काम इसका शुरू और हो चुका है, ठीक है। इसके आगे अपडेट के लिए यहाँ पर बोला गया है कि और सभी को सेम डेट है, यहाँ पर जो बोला गया है कि और जितनी भी कंडीशन रहेंगी वो सभी सेम रहेंगी, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो जितनी भी टेक्निकल बिड वगैरह की डेट थी वो यहाँ पर 13 जुलाई कर दिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो कोरिजेंडम नंबर 6 आया था उसमें फ्रेंड्स यहाँ पर करीबन 15 दिन का यहाँ पर डेट को बढ़ाया गया था। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपकी जो लास्ट डेट है, ठीक है, आपका टेंडर उम्मीद है कि अगस्त में कम्प्लीट हो जाएगा, मिडिल अगस्त तक, 13 अगस्त तक यहाँ पर बताया गया है कि टेक्निकल बिड की ओपनिंग की डेट है, तो ओपनिंग होगा उसके बाद यहाँ पर बता दिया जाएगा। ये तो फ्रेंड्स था आइसोलेटेड कैटेगरी का, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का, लेकिन आप सभी को पता है जब जब मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड का कोरिजेंडम आया है उसके 2 से 3 दिन बाद एनटीपीसी का भी कोरिजेंडम आया हुआ है, तो उम्मीद है कि कल या परसों में कोरिजेंडम नंबर 7 आ जाएगा एनटीपीसी का भी, ठीक है। तो आपकी जो परीक्षा है वो उम्मीद है कि अक्टूबर नवंबर में कंप्लीट करवा दी जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अगले अपडेट के साथ। कोई और दिक्कत प्रॉब्लम होती है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।